प्रभु इतने योग्य श्रीपाद वल्लभाचार्य जी को क्यों छोड़ दी, क्योंकि वे बात्सल्य रस के थे, तो रोज झगड़ा मार पिटाई हो गए, तो कहे प्रणाम कर दिए भाई चलो तुम नहीं समझ पाओगे इसका, चलो श्री गौरांग महाप्रभु को लेकर के गए अपने घर पर प्रयागराज में जब थे, अड़ाइल में उनका घर था, तो कहे कि चलिए आए हम महाप्रभु इलाहाबाद में, तो चलिए अपने घर पर ले जाते हैं, उनका चरण धमन अपने घर पर छिड़केंगे। और नाव में जब पार कर रहे थे, और गौर महाप्रभु जमुना जी को देख कर वृंदावन चले, वो नाव में पार कर रहे हैं, ओ काली जी को देखे जमुना को भाव आ गया वृंदावन का, और नाव में बहुत लोग बैठे थे, और महाप्रभु और भाव को उनको कंट्रोल करने के लिए तो गदाधर पंडित चाहिए, उसे स्वरूप दामोदर चाहिए, अब जसोदा जी समझेंगे। जब महाप्रभु को भाव आता था तो सच में पकड़ा जाती थी, क्या कर नारायण जी तेल लगाती थी कहीं इधर डॉक्टर वॉक्टर को बुलाती थी, तो महाप्रभु भाव को स्मरण सची तो कर नहीं सकती, जसोदा नहीं नंद बाबा नहीं कर सकते हैं, ये नंद के तो बस की बात नहीं है कि महाभागवत भाव में जब श्री कृष्ण आए तो उनको कंट्रोल कर पाए, अब महाप्रभु को इतना उतार तरंग आया ब्रज का भाव कि उस नाव में ही लगे नृत्य करने, नाव से लगे और रोने लग जाए, और नाव लगा जितने बैठे थे अब क्या करें, वल्लभाचार्य भी सोचे इस पागल को मैं क्यों लाया, क्योंकि संभाल ये भाव कैसे जमा। हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी की इस प्रवचन को यदि दूसरा कोई सुनेगा तो कहेंगे एक कृष्ण को भी कहता है क्या सुने, आनंद मारे ब्रह्म को कहते हैं सब लोग प्राप्त करते हैं, इसीलिए तो जो वास्तव में ज्ञानी है ज्ञानी व्यक्ति उसको जब ये रस प्राप्त होता है तो कहता नहीं मैं कहाँ उस ज्ञान ब्रह्म 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 में पड़ा था, प्रबोधानंद सरस्वती कहता अरे फेक इस ज्ञान को जी इतना दिन ढूंढता रहा, जो रसिक जो ज्ञान के पराकाष्ठा पर पहुंच गया है उसको जब ये रस मिलता है तो छाती पिटारे में बेकार उसमें अपना समय बिता रहा है, और सभी रस तो ये है। प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमा मृत में राधा रस सुधार इत्यादि में अपने को पूछते हैं कहां मैं वहां फंस गया, तो ये जो रस है अलौकिक रस है, इस रस में बस इससे बड़ा कुछ नहीं है, इसमें भी दो दल है, मधुर रस में भी दो दल हो गए, एक मदिया भाव और एक तुदिया भाव, दो भाव, तो इस भाव में हमेशा झगड़ा कर झगड़ा चलता है, जब रस्सी में घुस जाएंगे अंदर तो उसमें भी अब लड़ाई है, लड़ाई क्या है कि उत्कर्ष को करने के लिए जब कंपटीशन नहीं होगा तो रस की निष्पत्ति नहीं, तो राधा रानी के महिमा को बताने के लिए चंद्रावली सखी का अवतार है, चंद्रावली सखी क्या ये भाव क्या है राधा रानी की महिमा बताने के, यहाँ तक कि पुराणों में लिखा गया है पूजा के वाई राधा रानी की महिमा बताने की, 16108 पट रानियां के वाई तो प्रिया जी की महिमा बताने, और उससे भी श्रेष्ठ ब्रज में जो चंद्रावली है ये चंद्रावली कौन है तो प्रिया जी की महिमा बताने के लिए, किशोरी जी कितनी महान है, और किशोरी जी जिस रस का स्वादन करती हैं उस रस का केवल मंजरियां स्वादन करती है, वही कितना बड़ा उत्कृष्ट रस है। नारद आदि मुनिगण वीणा लेकर निगम आदि शास्त्र जिनकी महिमा का गान करते हैं उन्हीं प्रवीणा गंधर्वा श्री कृष्ण प्रियतमा राधिका का अनादर कर जो लोग केवल अकेले गोविंद का भजन करते हैं वे कपटी हैं और दंभी हैं, उनका हमें साथ नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं, कौन कहता है तो स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, स्वनियमक दशक में ये कहते हैं कि यह एकम गोविंदम भजती कपटी दंभिकतया तदर्भेण शीर्णे क्षणमपि नयामि व्रत बिना, हमारा यही प्रतिज्ञा है, ये कितना बड़ा निष्ठा है,
हम लोग इस निष्ठा को क्या समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा राधा पद दास की निष्ठा रघुनाथ दास गोस्वामी का है। बस जीव श्री कृष्ण को नारद आदि मुनिजन वीणा लेकर के निगम आदि शास्त्र वेद पुराण तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मं वेद मंत्रों के द्वारा जीव श्री हरि की महिमा का ज्ञान करते हैं। वेद स्तुति में लिखा गया है निप्रित मरुन मनो सदृढ़ योगयुजो हृदिजन मुनय उपासते तदरयो पियो स्मरणात्। जिन श्री हरि की आराधना कौन करते हैं? मुनिजन। निवृत्त, निवृत्त का अर्थ होता है एकांत में जाकर, मरुत अपने प्राण वायु को रोक लेते हैं, मन को रोक लेते हैं, अक्ष माने इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, एकांत में जीव ब्रह्म का ध्यान करते हैं। उस ब्रह्म को कौन प्राप्त कर लिया? तदरयो स्मरणा, जिस ब्रह्म को बड़े बड़े जोगी जति लोग प्राप्त किए उसी ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। कौन? कंस, ब्राह्मण, कुंभकर्ण, अकाशुर, बकासुर, धेनुका, पुतना, पुतना प्राप्त कर लिया, उसी ब्रह्म को प्राप्त कर तदरयो स्मरण। स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियः वयम पिते समा समधृतो ग्रिशरो जसुधा। उन्हीं ब्रह्म गोपियां अपनी बाहों में भर ली, भुजगेंद्र वो भगवान की जो सर्पाकार जैसा भुजा था उस भुजा में स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धिया। श्रुतियां भगवती कहती है जिन ब्रह्म को जोगी जति लोग प्राप्त करने के लिए अपने प्राण वायु को रोकते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं, उन्हीं ब्रह्म को स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धिया। विषक्त धिया का अर्थ होता है काम धिया, काम वासना से प्रेरित। क्यों सुंदर है देखो इसकी क्या मतवाली चाल है, अरे सखी इसका नेत्र तो देखो, इनके रूप सुधा पर मुग्ध होकर उसी ब्रह्म को अपने दोनों बाहों में भर भुज उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धिया। जिनको हम श्रुति भगवती, जिनको श्रुतियां उपनिषद पुराण नेति नेति कहकर के अपने वाणी को मौन कर देता है, हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, श्रुति भगवती भी चुप हो जाती है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि किसी भी जीव को ब्रह्म से जब मिलाना होता है तो श्रुतियां साक्षी, श्रुतियां मिलाती हैं। ये वेद पुराण क्या है? इनके बिना कृपा से ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। वेद पुराण के माध्यम से ही ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। अगोपियां को देखी श्रुतियां की हमारा सहारा भिन्न ले और ठाकुर से मिल श्रुति भगवती है ना, श्रुत भी दिव्या श्रुतियां जिनको आज तक खोज रही है, बुद्धि लगा रही है, ये ब्रह्म है वो ब्रह्म है, अब उसी ब्रह्म को गोपियां अपने दोनों बाहों में भर। जिन ब्रह्म को श्रुतियां खोज रही उसी ओ ब्रह्म को भी, उस ब्रह्म को भी ये राधा पद दास निष्ठ भक्त लोग देखना नहीं चाहते। सखी है नंदलाल आवन पावी चाहे जी जितना ललचाओ, खबरदार उस कपटी को आने मत देना। ऐसे कौन कह सकता है, कोई है क्या इसका? जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए निवृत्त मरोन मनोक्ष दृढ़ योग युजो युजन हृदय उपासते तदरयो पियु स्मरण, उसी नंद नंदन श्री कृष्ण निकुंज के दरवाजा पर आते हैं तो कहती हैं
देखो सखी सखी नंदलाल में आवन पावे चाहे चीज इतना लग जाए, हलो कातर होकर के रो रहे हैं और कहते बस गोपियां का चल जा चले जा। हरि हरि आही माधव आही केशव मावद कई तब बादम तामनु सर सर सिरुह लोचन या तव हरति विशाल। चल चंद्रावली के पास खबर तारी हम बताने सखियां कहते उन श्री कृष्ण के चरण कमल में जिन भक्त को निष्ठा है उन भक्त को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। रघुनाथ दास को स्मरण करते यो एकम गोविंदम भजति कपटी दंभिक दया तदर्पेण शीर्ण क्षणमपि न यामि व्रतम्। हमारा यही व्रत है, यही हमारी आराधना है, यही तपस्या है कि जो कृष्ण निष्ठ भक्त है उसका दर्शन न करे। अब बताइए वृंदावन का रस किसको समझ जाएगा आएगा ही। जब तक महत्पुरुषों की चरण का अनन्य आश्रय न लिया जाए, जब तक रघुनाथ दास गोस्वामी की आराधना न किया जाए, रूप गोस्वामी की आराधना, तब तक ये रस प्राप्त होगा क्या? इसलिए इन महत्पुरुषों की आराधना किए बिना निकुंज दरवाजे में आ नहीं सकते। अरे वहां तो कृष्ण का भी बोलती बंद हो जाती है तो कृष्ण की आराधना कैसे वहां प्रवेश करेगा, आ ही नहीं सकता। तो ये है इनकी निष्ठा। कहते हैं कि इन लोगों के चरणों में स्मरण और वाणी के श्रवण कीर्तन से भी साधक का चित्त राधा निष्ठा से परिमल से सुशोभित हो जाता है। बस हमको आराधना करना है तो किसकी आराधना करेंगे? रूप मंजरी की। हम तुलसी मंजरी की आराधना, हम कृष्ण की नहीं करें, हम रूप मंजरी की आराधना करें। और रूप मंजरी की आराधना करेंगे तो रूप पता चलेगा कहाँ है तो प्रिया जी की चरण सेवा करें तो हमको वहां प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण की आराधना करेंगे तो कृष्ण कहाँ भेज, कहीं गैया चरा रहा है वहां भेज दिया, कहीं ब्रह्मा जी के पास है, कहीं शिव जी के पास है, कृष्ण तो सब जगह है। अरे कृष्ण की आराधना करेंगे तो इधर उधर, कहीं हमको तो बस करोड़ों जन्म लग जाए, क्षण हमारा शरीर की एक एक अंग गल जाए लेकिन हमें प्रिया जी की सेवा चाहिए, हमें राधा पद दास चाहिए, इसके अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा नहीं। यह जब तक इच्छा न बनी रहे तो बस हमको और कुछ चाहिए नहीं। ये आराधना आचार्य लोग करते हैं। श्रीपाद कहते हैं हा राधे तुम तो अहेतुकी कृपा के सागर हो, मैं भी कृपा पाने के योग्य ही हूँ क्योंकि तुम्हारे कुंड का आश्रय लिया हूँ, जिसका कोई नहीं है उसका तो तुम है। अब तो तुम समझ गई ना हमारे को किसी से कोई मतलब नहीं है। कहीं प्रिया जी इसलिए कृपा न करती हो कि ये कृष्ण को भजन करता चाहे कृष्ण आ जाए, तो अब तो तुझे पक्का विश्वास हो गया है कृष्ण कितना भी बार हमारे चरण पर गिरे काकुबाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मोले, वो बार बार हमको उसको उससे मतलब नहीं, हमें केवल प्रिया जी से मतलब। मुझ दुखनी मुझ जैसी दुखनी विश्व में और कोई नहीं होगी। अब बताइए हम कृष्ण को भी न चाहते हैं, हम जैसे भक्त को तो दो चार रुपया देकर भगवान फुसला सकते हैं, कुछ नहीं तो थोड़ा खिला करके फुसला सकते हैं। कृष्ण यदि तुष्टे भक्ति भक्ति मुक्ति दिया कहू प्रेम भक्ति ना दे रहा लुकाई, ये भक्ति ऐसे नहीं मिलती। कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है और प्रिया जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण को त्यागना पड़ता है। शायद कृष्ण प्रसन्न हो जाए, प्रिया जी सोचती होंगी कि आराधना कर रहा है कि शायद प्यारे प्रसन्न हो जाए, वही संतुष्टि हो जाए तो हम क्यों आओ, जब उनको भी त्याग देता है। तो हम लोगों की जो आराधना कौन क्या है तो राधा लिंगित विग्रह श्री कृष्ण। हम लोग कृष्ण की आराधना करते हैं तो अकेला कृष्ण का आराधना नहीं करते, हमारी भी आराधना है लेकिन वो आराधना है वो आप कृष्ण जो प्रिया जी के चरण का सेवक है। प्रिया जी के चरण में बार बार प्रार्थना जो श्री कृष्ण करते हैं वही कृष्ण हमारी आराधक है। ब्रह्म वाला कृष्ण हमको नहीं चाहिएगा। बस हे प्राणेश्वरी हे प्रिया जो अब कृपा करो। प्राणेश्वरी एक बार करुणा करम बोले हे किशोरी जी। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी इस बार हमको करुणा कर दो,
दश नित्य तृण धरी अंजलि मस्तके धरी यही जल निवेदन करे। तीर डर करते, अब हमारा कोई सहारा तीर का कभी सहारा नहीं, अब केवल आपकी सहारा है। तो शायद प्रिया जी कहें कि क्या चाहती हो, इतना तड़प रही हो, रो रही हो, आखिर तुम्हें क्या चाह है? तो प्रिय सहचरी संगे सेवन करी वरण अंगे भेष करी एक साथ, हमको यही चाहे बस, हमको प्रिया लाल मिले और उनकी सेवा करते रहे। रंग के का अर्थ होता है लाल चार महात्मा भजन करते हैं, प्रिया जी के चरण में सेवा कर रहे हैं और मन कहीं उधर भर गया, तो ऐसा भजन नहीं, हम रंग से प्यार से आसक्ति से भजन करें। किशोरी जी की सेवा के लिए उनकी जो निवृत्त निकुंज की जो सखियां हैं उनका हमें साथ दे, तो वहां क्या करेंगे, तो वहां बहुत सेवा है प्रिया जी आपकी। सेवा के लिए कोई सखी चंदन रगड़ रही है, कोई माला गूथ रही है, कोई सुगंधित द्रव्य इकट्ठा कर, तो वहां बहुत सेवा है, निकुंज में बहुत सेवा है, तो उन सेवा में हमको नियोजित कर, हम प्रिया जी की सेवा करते रहेंगे। ये सब सेवा जा जे हव तार अनुक्षण थाकि तार से, मैं वैसे महत्पुरुषों के साथ रहना चाहता हूं जो निवृत्त निकुंज में प्रिया जी की विविध प्रकार के सेवा में अपने मन को नियोजित किए हुए हैं। दीदी बसन सुगंध आरसी चंदन फूल उन जो सेवा में लगे हुए हैं उन लोगों का हमें संग, वैसे महत्पुरुषों का हमको संग। निकुंज में मंजरियों की विविध सेवा है, किसी को जल सेवा है, किसी को चमर सेवा है, किसी को पाद सम्मान सेवा है, किसी को नृत्य सेवा है, बहुत सेवा है। तो जल सुवासित करे रतन भृंगारे भरे कर्पूर वासित तुआ पा, ऐसी सेवा मुझे प्रिया जी के निकुंज मंदिर में हम कब सेवा प्रयोगी वस्तु सजा करके जाऊंगी, ये अभिलाषा कर रहे हैं, ऐसी अभिलाषा। ये सब सजाइया डाला लवंग मालती माला भक्ष द्रव्य गान अनुपान सखीर इंगित हवे ये सब आनिया कवे जोगाई बदलता। अब इस रस की, जिस रस की यहाँ चर्चा हो रही है वहां शिव का प्रवेश है, नारद का प्रवेश है, अरे कृष्ण के किसी भगत का प्रवेश है। यहाँ तो श्री कृष्ण के जो नर्म सखा हैं शुभल सुदामा इत्यादि उन सखाओं से भी ये लीला बहुत दूर है। यही श्री गौर का उदान है, इसी यही रस गौर महाप्रभु ने जगत में आकर ये सब सजाइया डाला लवंग माला त्रिमाला भक्ष द्रव्य नाना अनुभव सखी रो इंगित हवे, क्योंकि वहां तो बाणी नहीं है, निकुंज में कोई बोलता नहीं, लीला भंग हो जाए। प्रिया लाल की सेवा चल रही है उस समय कोई एक शब्द नहीं बोलेगा नहीं, उस समय सेवा की क्या आवश्यकता है तो ललिता जी सखियां जानती है और अपने अपने दासियों को आंख के इशारा से करेंगे। सखी रो इंगित हवे ये सब आनिया को सखियों की इंगित पाकर के, अभी प्रिया जी को जल की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, अभी प्रिया जी को गरम गरम अभी अंगीठी जलाएंगे निकुंज दरवाजा में, कभी रस चाहिए। सखी रो इंगित हवे ये सब आनिया कवे जोगाई बो ललिता काछे, प्रधाना सखी ललिता है, ललिता सखी उपासना जो बागी। निकुंज के मंदिर में किसकी उपासना चलती है तो ललिता सखी की, यहाँ ललिता सखी प्रिया जी को भी डांटती है और तेरे श्याम सुंदर को डांटती है, तुमको अभी मान करने नहीं आया, ऐसा मान भंग मत कर, अभी और ललिता सखी डांटते हैं अभी इतना जल्दी तुम मान क्यों भंग करती, प्रिया जी डर जाती है। तो यहाँ कौन मुख्य है, तो यहाँ ललिता सखी,
तो उन किशोरी जी ये निकुंज में किसकी आराधना चलती है? तो ललिता सखी, ललिता सखी उपासना जो वागिन की थी। तो सखी रो इंगित हबे ये सब आनिया कबे जोगाई बो ललिता आर काछे नरोत्तम दास कहे यही जैन मोर है गड़ाइया रहू सखी पाछे। अरे क्या करना है, छोड़ अब किसी निकुंज में किसी सहचरी किसी सखी के पैर पकड़ लो, बस तुम्हारी साथ पूरी हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे जब सचमुच इस रस की इच्छा है तो उसकी चाहती है यही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे सुचिद मनु नयन प्रीणयित्वा मृगाक्षेम गतवती कृतवेशे केशवे कुंज सैयाम रचित रुचिर भूषां दृष्टिमोषे प्रदोषे स्फुरति निरवसादां काव्यराधा जगाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बीस अष्टपदी बीस एकादश विरचित चाटु वचन रचनम चरण रचित प्रणिपातम संप्रति मंजुल भंजुल सीमन के लिशयन मनुयातम मुधे मधु मथन मनुगत मनुशर्मां राधिके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतनी ताकत किसी की होगी जो प्रिया जी को कहे है मूड है उसको मान करने नहीं आता। ललिता सखी कहती है हे मूड राधे प्यारे अनेक वचन जिन्होंने तेरे चरणों में किया है प्रणाम किया है विरचित चाटु वचन रचनम चरण रचित प्रणिपातम संप्रति मंजुल भंजुल सीमन के शयन मनुयातम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम घन जग सर घन जगन स्तन भार भरे धर मंथर चरण विहारम मुखरित मणि मंदिर मुखहि विधेहि मराल विहारम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्रीणु रमणीय तरम तरुणी जन मोहन मधुरिपुरारम कुसुम शरासन शासन बंदिनि पिकनि करे भजबावम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम अनिल तरल किस लयन करेण करेण लता निपुरम प्रेरणमिव कर भोरु करोति गतिम प्रतिमुंच विलंबम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्फुरति मनंग तरंग वशादि वसूचित हरि परिरंभम प्रेक्ष मनोहर हार विमल जलधार मम कुछ को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अधिगत मखिल सखी विरिदं तव वपुर पिरतिरणि सहजम् चन्दिरसित रसनारवन्दिमभिसरसरससल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे स्मर सर सुभगन केन सरीम अवलंब करेण सलीलम चल चल यम पणि तैरव बोधय हरि रपि निजगत शीलम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री जय देव भनित मदरी कृत हार मुदासित वामम हरि विनहित मन सामधिष्ठित कंठ तटीव विरामम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अधिकृत हार, हार को भी तिरस्कृत कर दिए हैं जयदेव जी अपने गीत के द्वारा। अधिकृत हार उदासित वामम श्री जयदेव भणितम हरि विनहित मनसा कंठ ततिम अविरामम यथा स्यात् तथा अधितिष्ठतु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वृंदावन के अतिरिक्त कहीं इस रस का वितरण नहीं होता, ये आराधना के और ब्रज निकुंज भी ये इस रस में हमेशा पंडित बाबा रहते थे, हमेशा इस रस में इतना निमग्न रहते थे कि बड़े बड़े लोग गेट पर खड़े रहते थे, उधर दृष्टि भी नहीं डालते। हरिदास जी के लिए आया है कि साक्षात अकबर उनके द्वार पर खड़ा रहता था, हिम्मत नहीं होती थी कि दीवार खटखटा दे। इस रस में हम, इस रस में वही प्रवेश कर सकता है जिसको संसार की किसी सुख की इच्छा नहीं। संसार की तो छोड़ो, वैकुंठ की इच्छा न हो, वैकुंठ को छोड़ो भगवत पार्षद की इच्छा न हो, भगवत पार्षद की छोड़ो साक्षात कृष्ण की इच्छा न हो, कृष्ण की भी इच्छा नहीं, तब इस रस में प्रवेश करता है। ये गोपी भाव है। गोपियां कहती हैं, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुखों से प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों में घिरी रहूंगी हम हरदम। ये है एक राधा पद्दास। हे प्यारे, यदि तुझको हमारा दुख ही पसंद है तो संसार का जितना कष्ट है उन सब कष्ट से मैं घिरी रहूंगी, बस हम कभी आह भी नहीं भरूंगी कि हमको थोड़ा सुख दे। किंचित सा भी यदि सुख देता।